चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां नए नए तरीके से आमजन को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर में देखने को मिला, जहां अलवर में भाजपा के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में विशेष सदस्यता अभियान के अंतर्गत अलवर से भर्तरी धाम तक आज पदयात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि भाजपा के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के द्वारा पदयात्रा, नुक्कड़ सभाएं, कठपुतली, लघु नाटिका आदि के माध्यम से भाजपा के कार्यक्रमों, योजनाओं और रीति नीति को प्रचारित करने एवं समाज के हर तबके को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की अभूतपूर्व विकास देने वाली मोदी सरकार ने पिछले 9 से 10 साल में विकास की गंगा पूरे देश में बहाई है, उससे आमजन को अवगत करवाने का कार्य किया जा रहा है। मोदी के कार्यक्रम जिनमें सबका साथ सबका विकास, जनधन अकाउंट, उज्ज्वला योजना, वंदे भारत ट्रेन, भारत माला प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी, बढ़ते एक्सप्रेस हाईवे, इन सभी अभूतपूर्व स्तर के प्रयासों से आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई है। ऐसी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी बनेगी तो राजस्थान के अंदर जबरदस्त विकास होगा। पदयात्रा में देवी देवताओं और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी झांकियां शामिल रही। इस दौरान भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में और ये 250 से 300 लोगों की जो पदयात्रा है, ये परशुराम चौराहे से और भर्तरी धाम तक जाएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि जो है जो पर्यटन और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके माध्यम से कि जो है नरेंद्र मोदी जी के जो विकास की बहार पूरे देश के अंदर आई है उसका जो है पूरी जो उसका प्रचार प्रसार हो, जन जन तक प्रचार हो कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, वंदे भारत ट्रेन बन गई है, बड़े बड़े जो है एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, रोड्स बन गए हैं और तमाम जगह जो है पूरा देश विकास कर रहा है, सबके साथ सबका विकास कर रहा है, विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारी जीडीपी 5वें पायदान पर आ गई है और आने वाले टाइम पे 3रे पायदान पर आएगी। और यही संदेश कि युवा लोग इससे जुड़े, बच्चे बूढ़े सब जुड़े, महिलाएं जुड़े और जो है अपने तीर्थ यात्रा के साथ साथ और देश के विकास में भागीदारी करें।